हाय, दिख रहा हूँ मैं, दिख ही रहा हूँगा। पता नहीं क्या हो गया आज, तो आज इसको भी अनबॉक्सिंग कर ही देते हैं। सेल आई डू इट, हाँ अब तो करना ही पड़ेगा, कर ही देते हैं। वैसे एक चीज़ रहा, ठंड लग रही है और मेरे चिल्स एंड थ्रिल्स सब उठ रहे हैं, गूस बम उठ रहे हैं एक्चुअली। तो उसको इग्नोर मारते हैं, उसको खोलते हैं वही देसी तरीके से। एक कोना नहीं पकड़ा, हम तो उंगली घुसेड़ेंगे अंदर, यहाँ घुसेड़ेंगे गोली, उंगली सॉरी, और उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे ऐसे खेच खेच के, खेच खेच के। ये कवर तो निकल गया, ये अनबॉक्स हो गया। अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या निकल आया। ये है कवर जिसमें महादेव जी छुपे हुए, मेरे आराध्य। एक्चुअली ये मोबाइल कवर है जो इसी सेट का है, नोकिया 3.4 के, जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। हाँ जानता हूँ उतनी हाई क्वालिटी नहीं है, पर उतनी लो क्वालिटी भी नहीं है, सैमसंग M11 की इक्वल क्वालिटी है। उसी जैसा सेम सेट है, इसके कुछ यूनिक फीचर इसमें भी हैं, कुछ यूनिक फीचर सैमसंग में। तो वो अपनी अपनी प्रायोरिटी, उस समय को अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया, मेरे को थोड़ा ब्रॉडवेयर फ्री सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने ये उठा लिया था। मेरा 4000 mAh बैटरी और 5000 mAh बैटरी, ये तो नहीं कहूँगा इक्वल है पर बहुत क्लोज है, क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड है। तो 4000 mAh बैटरी भी बिल्कुल 4500 mAh बैटरी के समथिंग अराउंड परफॉर्म करती है। अगर मान लो सैमसंग में 5000 की बैटरी है और नोकिया में 4000 की बैटरी होती तो स्लाइटली नोकिया की बेटर होती। बताऊँ क्यों, स्टॉक एंड्रॉयड होने की वजह से इसमें ब्रॉडवेयर नहीं है, और ब्रॉडवेयर ना होने के वजह से स्लाइटली इस पर लोड कम आता है, और उसका बस एक ही है अच्छी बात और कुछ नहीं है। अपनी अपनी खासियत है सब अपने ब्रांड की, ये मेरा स्टार्टिंग से पहला ब्रांड रहा है तो आई चूज़ ऑलवेज दिस, आई ट्रस्ट हिम। पर आगे हो सकता है मैं ना ट्रस्ट करूँ, यदि नोकिया अच्छा साइड नहीं निकालता तो, वो बात अलग टॉपिक है, उसको साइड करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अब कवर आपको दिखाऊंगा कैसे, उसके लिए मेरे को दूसरा मोबाइल का इंतजाम करना पड़ेगा, तो चले उसको भी लेके आऊँगा अभी, पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लें। तो एक्चुअली सिलिकॉन बेस्ड सॉफ्ट टच मटेरियल है इस कवर को, तो साइड ही रखो पहले। वैसे क्वालिटी अच्छी है और मेरे को कस्टम मेड मिल गया, स्पेशली भगवान जी का मिल गया जो मेरे को चाहिए था, या तो मेरे को कार लवर वाला चाहिए था या भगवान जी का चाहिए था, और मेरा फेवरेट तो मिली, तो मेरे को ये बेटर है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है यार, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और 3D हल्की सी ये ना, एक्चुअली 2D टाइप की प्रिंटिंग ही है, एक आध जगह जब प्रिंटिंग के वैसे हल्की सी फील हो रही है इसमें, कहीं कहीं जैसे महादेव जी का ये हाथ है और ये त्रिशूल है, यहाँ हल्का हल्का सा फील हो रहा है टेक्सचर, पर ओवरऑल ठीक है, डिसेंटली अच्छी है। आपको एक कस्टमाइज मिल गया, वो भी 1% मिल गया जैसा मैं चाह रहा था, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। अब ये MI के 10,000 जो नोकिया 3.4 के कंपेयर में आता है, इस सेट का नाम मेरे को पता नहीं है, और जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है उसकी भी मेरे को नहीं पता कि कैसे रिकॉर्ड हो रही है। तो ये अपना वही कवर है, और ये सामने प्राइमरी कैमरा है, उसकी ब्राइटनेस की वजह से आउट ऑफ फोकस हो गया। तो इसको निकालते हैं ट्राइपॉड से, जैसे माइक निकालते हैं, निकालते हैं ट्राइपॉड से, ठीक है। पुराना वाला देख रहे हैं कितनी बुरी कंडीशन हो रखी कवर की, देखिए सब पीला पीला पड़ गया। इसके साथ जो ओरिजिनल नोकिया का 3.4 का कंपनी का कवर था ना, वो आज भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा आना जैसा पहला दिन था, आज भी उसी जैसा है। फ़र्क इतना है कि ओरिजिनल पे फेविकोल गिर गई थी तो सत्यानाश हो गया उसका, तो हटाना पड़ा, इसको दूसरे को ला के लगाना पड़ा, इसको भी लगाया पर मतलब कुछ नहीं निकला, आखिर में ये भी सत्यानाश हो गया। अब जब सत्यानाश होने तो हो गया तो भगवान जी के चढ़ा देते हैं, अच्छा तो लगेगा कम से कम कवर। और इसको चढ़ाने में एक हाथ से थोड़ी सी इशू आ सकती है, डर्द हो गया वैसे। अब कैमरा क्वालिटी जो भी है जो है जैसी भी है ठीक है।
Don't forget to follow me on Instagram.